नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम स्टैट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट का हो या फिर ऑडिटर्स का हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी हम नई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज़, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेयरमैन मैथड इज़ मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन वाई, तो ये किसने दिया था? चार्ल्स स्पेयरमैन ने। नेक्स्ट है आपका, ग्राफ ऑफ वेरिएबल हैविंग लीनियर रिलेशनशिप विल बी, तो वो होते हैं स्ट्रेट लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, द फाइल रिक्वायर्ड टू मेंटेन जर्नल लेजर रिकॉर्ड इंक्लूड, तो उसको बोलते हैं डिटेल्ड पोस्टिंग फाइल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं। नेक्स्ट है, इन विच फाइल द रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन सीक्वेंस एंड इंडेक्स टेबल इज़ यूज टू स्पीड अप एक्सेस टू द रिकॉर्ड विदाउट रिक्वायरिंग ए सर्च ऑफ द एंटायर फाइल। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज, तो वो होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉइंड बाई, तो ये किया गया था जॉर्ज डब्ल्यू सैंडवेडर इन ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड ए फिशर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काई स्क्वेयर जिस जो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का टेस्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया है? ये दिया है कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो ये दिया है डी मोरी ने। एंड पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस आर, तो ये और कौन थे? लाप्लेस, गॉसस एंड डब्ल्यू एच योडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10th, कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन इज गिवन बाय सर फ्रांसिस गैल्टन इन 1877। नेक्स्ट है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो डब्ल्यू एस गोसेट ने दिया था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम आर, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट है आपका, डेटा इज ओनली क्वांटिटेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14, सेकेंडरी डाटा आर सेकेंड हैंड डेटा विच आर इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड होता है वो। नेक्स्ट है, कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी डाटा आर आल्सो कॉल्ड पेपर सोर्स। नेक्स्ट है आपका, मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेज होते हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। नेक्स्ट है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हारमोनिक मीन, बेटिस एवरेज मीन एंड आर, तो ये होते हैं मैथमेटिकल एवरेज होते हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिग्मा नो एज ए कैपिटल सिग्मा। नेक्स्ट है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू एन वन मल्टीप्लाई वन प्लस एन टू मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ रीजन, ये भी पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हारमोनिक मीन। नेक्स्ट है, मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? थ्री मीडियन माइनस टू मीन से। नेक्स्ट है, वन डायमेंशनल वन डी डायग्राम आर दोज विच हैव ओनली लेंथ, आगे इसका एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट है आपका, 20th, टू डायमेंशनल डायग्राम आर दोज इन विच बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर प्रेजेंट, टू डी इसका एग्जाम्पल है। हिस्टोग्राम आर डायग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वेयर, सर्कल एंड पाई डायग्राम इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, ओजाइव कर्व आर फ्रिक्वेंसी पॉलीगन आर आल्सो टू डी डायग्राम।
ठीक है, इनको ओजाइव कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को 2D डायग्राम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ओजाइव रिप्रेजेंटेशन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मीन एंगल डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 3D डायमेंशनल डायग्राम आर दोज क्यूब्स स्पेयर्स और सिलेंडर्स। नेक्स्ट एंड क्यूबिड। तो ये था 23 का आंसर। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन आर पैरामीटर एंड सैंपल आर सैंपल स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये मैंने की पॉइंट जो थे जो भी इस बुक में थे वो अलग से लिखे हैं। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम सैम्पलिंग के मेथड कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड, नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड और अगला है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मेथड कौन कौन से हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन, द लार्जर द सैम्पल द मोर एक्यूरेट विल बी द रिसर्च। ठीक है, जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा उतना ही आपका जो रिजल्ट आएगा सैम्पल का वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज डिक्रीजिंग द सैम्पल एरर। नेक्स्ट है आपका सैम्पल साइज एन इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी रेगुलेटरी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर ऑफ लार्ज नंबर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस। तो ये थे इसकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है टाइप वन एरर बाय रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथिस एंड इट इज़ आल्सो नोन एज ए प्रोड्यूसर एरर अल्फा और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टाइप वन एरर पूछा जाता है, तो इसमें हम ट्रू जो हमारी हाइपोथिस होती है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगला है टाइप टू एरर कौन से होते हैं, बाय एक्सेप्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथिस आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर एरर, बीटा पावर फंक्शन ऑफ टेस्ट और पावर कर्व पावर ऑफ टेस्ट। तो ये होता है टाइप टू एरर जिसमें हम फॉल्स को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉल्स हाइपोथिस को। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड एरर जिसे SE से डिनोट किया जाता है, इज ए स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन। तो इसको हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट एन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 36, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिंस द कर्व इज ए बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल इट मीन। तो ये होता है मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, जब बेल शेप का होता है तब मीन और मोड मीडियन एंड मोड तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द टोटल एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज़ 1। तो ये जो टोटल एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कितना होता है, 1 होता है, 0.5 प्लस 0.5। नेक्स्ट है आपका सिंस कर्व इज सिमेट्रिकल कोफिशियंट ऑफ क्रूटोसिस इज़, तो ये होता है 3 मेसोक्रूटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी व्हाट इज़ अ प्रैक्टिकली इट इज़, तो ये होता है 6 स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच जिनका भी एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ के लिए, वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और चाहे वो JOA अकाउंट्स का हो या फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, सबके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।